एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज गए हैं 7:30। हमारा झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना हो गया है और आ गई हूँ मैं अपने किचन में बनाने पराठे। बच्चों के लिए पराठे बनेंगे, चाय, और बड़ों के लिए देखती हूँ क्या होता है। तो फिलहाल अभी मैं आटा गूंथने वाली हूँ और उसके साथ ही बनेगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह मैंने एक कप चाय पी लिया, क्योंकि पापा हमारे 2 बार चाय पीते हैं, एक बार सुबह 5 बजे, फिर 7 बजे। 7 बजे वाली चाय में हमारे लिए भी मम्मी बना देती हैं, फिर वो वाली चाय हमने नहा के पी ली। अभी सब मम्मी पूजा कर रही हैं, भाभी अभी कुछ कर रही हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो तैयारियाँ शुरू है, तो फटाफट काम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ससुराल है ये, यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो फटाफट फटाफट कर लिया जाए। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया है और मैं धुल रही हूँ यहाँ पे चाय के बर्तन। साथ ही जिस डिब्बे में दूध आता है तो वो डिब्बे भी हम साथ के साथ धुल ले रहे हैं, धुल के रख देंगे सूखने के लिए। और बर्तन मैं आज धुल रही हूँ राख से, क्योंकि मैं सुबह आग सेकने गई थी, वहाँ राख मैंने देखी तो बहुत अच्छी राख थी, वो तो मैं उठा के ले आई हूँ, उसी राख से मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल सर्फ़ जैसे एकदम वाइट वाइट सी राख। और इतना अच्छा लग रहा है इन बर्तनों, मतलब इन राख से बर्तनों को साफ करते हुए, देखो कितनी वाइट वाइट सी राख। तो फ्रेंड, हमारा सुबह का जो काम होता है, मींस चाय पीना, चाय के बर्तन धुलना, सब कुछ हो गया है। अब ये बनेगी कद्दू की सब्जी। दूध जो है ये उबल रहा है, एक तरफ दाल चढ़ी हुई है, चावल भी लिया गया है, केवल धुलना है सारा काम हो गया। तो चलो फटाफट हम सब्जी छोड़ देते हैं, वीडियो में नहीं इंक्लूड करूँगी क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। और हाँ, यही है हमारी यहाँ की रूटीन। और बताइए आप सब कैसे हैं? टाइम ही नहीं मिला कि आराम से बैठ के बात कर लूँ या आराम से बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, बस चलते फिरते हो रहा है, टाइम नहीं, मतलब थोड़ा सा ये भी लग रहा है, झिझक सी लग रही है। और बस कि आराम से, मतलब एक होता है ना कि तसल्ली से बैठ के वीडियो बनाना और तसल्ली से बैठ के आप लोगों से बातें करना, वो नहीं हो पा रहा है। बस फटाफट ये है कि आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि हाँ, मैं ससुराल में कैसी हूँ। अच्छा, मेरी साड़ी कैसी है ये बताना, कैसी लग रही है अभी? तो ये मेरी साड़ी, मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ब्लैक कलर, तो मम्मी को बिल्कुल, मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये। वो बोलती थी कि अगर तुम्हारे मम्मी ने या ससुराल में कोई ये बोल दिया कि ये अच्छी नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करोगी? मैंने बोला मैं बोल दूंगी कि आप ले आके अच्छा वाला दे दो, मुझे अच्छा लगा। और बताए, इसके जो ये प्लेट्स है ना, बहुत आराम से, खूब मुलायम कपड़ा है और इसके जो प्लेट्स है ना, आराम से सेट हो जाते हैं। जो यहाँ मतलब प्लेट्स बनता है यहाँ नीचे, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, यहाँ भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, फॉल लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, और ये भी, और तो बहुत मेन जो है इसका ये वाला काम, ये भी ठीक है।
ये देखो काम भी हो जाए और मुझे दिख भी रहा है, क्लियर मुझे सब कुछ दिख रहा है कैमरे से, मैं सब कुछ देख भी पा रही हूँ, तो हल्की भी है सब कुछ काम हो रहा है। और शनिवार है तो ब्लैक कलर भी हमारा जो है हो जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर। सो फ्रेंड, हो गई है शाम के 5:30 और फिर से किचन का टाइम शुरू होने वाला है, शुरू हो ही गया है लगभग। अभी मैं हूँ अपने किचन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मेरे हाथ में है ये कद्दूकस की हुई गाजर, है ना। इसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गाजर का हलवा। तो फुल रेसिपी तो नहीं शेयर करूंगी, बट किचन में आई हूँ तो अभी पहले घी डाल के इसको मैं रख देती हूँ, थोड़ा भाप लग जाए इसमें। मुझे थोड़ा सा और काम है, एक मेरी बहुत मतलब दिली ख्वाहिश थी एक काम करने के लिए, जो कि मैं मायके में नहीं कर पाई हूँ, मतलब वो ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो ख्वाहिश ससुराल में पूरी कर लूँ अभी, तो उसी के लिए मैं निकलने वाली हूँ। तो पहले ये गाजर का, ये कद्दूकस की ये गाजर जो है इसको रख देती हूँ मैं गैस पे स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ अपने मुकाम की तरफ। और वो काम जो है, मतलब उसके लिए मैं दोपहर में लेटी हुई थी, लेकिन दिमाग पे मेरे वही काम चढ़ा हुआ था कि मुझे मतलब वो चीज़ करनी है, करनी है। कौन सी ऐसी चीज़ है आप सोच रहे होंगे कि जिसके लिए मैं मतलब इतना बेताब हूँ, तो हाँ बहुत मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। चलो दिखाती हूँ मैं, पहले इसको रख देती हूँ मैं। धीरे धीरे इसमें भाप लगती रहे और मैं चलती हूँ बाहर। आ गई हूँ मैं यहाँ पे और ये है वो ज़रूरी काम जो हमें पूरा करना था। ये है वो राख जिससे मेरा मन था कि मैं बर्तन साफ करूँ, पर मायके में ये नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं सुबह तपता तापने आई थी, तो मैंने देखा ये राख जो है बर्तन मांजने के लिए बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लिया जाएगा, फिर अगर इससे बर्तन साफ़ किया जाएगा तो बहुत अच्छे से इससे मतलब बर्तन साफ होगी। और अब मैं इसको भर के रखूंगी एक बैग में, ये पॉली बैग में, और इससे मैं साफ करूंगी बर्तन। तो चलो भर लेते हैं इसको।
राख जली थी और मैं आई थी आग सेकनी, तो मुझे ना राख बहुत पसंद है और राख से बर्तन मांजने का बहुत दिन से मन हो रहा था, पर मायके में बर्तन मांजा ही नहीं कभी, मतलब बर्तन साफ ही नहीं किया कभी, तो ये ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह गई। मतलब था कि एक दिन करूँगी, करते करते यहाँ आ गई और हुआ ही नहीं, और यहाँ तो बर्तन साफ ही करना है। तो हमने सोचा आग देखा ना, राख, इसकी राख इतनी अच्छी है, मतलब मैं सुबह लेके गई थी एक कटोरी, मैंने साफ किया थोड़े से बर्तन, तो ऐसे लग रहे ना कि जैसे सर्फ पड़ी हुई है ऑलरेडी राख में, एकदम चमकदार हो रहे हैं बर्तन। और मेरा मन होता है ना कि जैसे राख मिले, तो मैं पहले भी जब शादी करके आई थी तब एक बार मैंने पापा को बोला था कि कोयला की राख ले आओ, वाइट वाइट होती ना, उसमें से जैसे झाग से भी निकलते हैं हल्के, तो उसे मैं बर्तन बस मांजती रहूँ जितने बर्तन हों मांजती जाऊँ, तो बस वही अब इससे मैं बर्तन साफ करूँगी, बटी खाऊंगी, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इससे बर्तन साफ करते, और बर्तन में चमक भी बहुत अच्छी आती है। तो हमने राख भर लिया है और चलते हैं अब घर की तरफ, चाय वाय रखते हैं अब। ये इतनी राख मम्मी के यहाँ भी था, मतलब ये ना उसकी नीम की लकड़ी है जिसकी आग जली थी, तो उसमें ना वो दीमक लग गए थे, तो वो थोड़ी मिट्टी भी है शायद उस लकड़ी में, तो उसकी वजह से ना बहुत अच्छी सी राख हुई है, थोड़ी सी दरदरी सी, पता नहीं कैसे है, मतलब बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई, और थोड़ा मिट्टी और राख से मतलब मुझे अच्छा भी लगता है। तो भर लिया मैंने और अब चलती हूँ। सब सोच रहे होंगे ये पागल है लड़की क्या कर रही है, पर मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, और राख से बर्तन मैं बस बैठ के मांजती जाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं करने देंगे इधर, क्योंकि गैस के ही बर्तन है, और आपको पता है आजकल तो नालियों का ही सिस्टम है कि राख कहीं नालियों में ना बैठ जाए, पर हाँ करूँगी, मुझे बड़ा जोर से मन है कि मैं इसे खूब अच्छे से साफ करूँ। चलो फिर चलती हूँ मैं। तो इस राख को ना मैं रख दूँगी ऊपर, ताकि कोई हमारी राख जो है वो खराब ना करे, इसको यहाँ पे रख दूंगी जब मुझे बर्तन साफ करना होगा, फिर ले आऊंगी। तो हमारे गाजर का जो हलवा है ये ना, इसमें भाप आ गई है और ये आधे से ज्यादा मुझे लगता है उबल भी गया है, तो अब इसमें मैं चीनी दूध वगैरह जो जो पड़ता है वो सब डालूंगी, और साथ ही अपने इस ब्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, मैंने अभी उसको उसमें पावर डायरेक्टर में डाल के देखा, तो वो ना 26 मिनट कुछ सेकंड का ब्लॉग अभी तक का बन चुका है, जो ये मैं बोली हुई ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कट पिट करने में, और थोड़ा थोड़ा करते करते पता नहीं बड़ा सा हो जाता है ब्लॉग इसे, जो कि बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है। तो चलो फिर जो है अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।